तो दोस्तों देखिए, इस वैकेंसी के अंतर्गत कुल मिलाकर 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और तीनों नोटिफिकेशन में दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों नमस्कार, जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, सो झारखंड के जिला लेवल ब्लॉक लेवल की वैकेंसी की अपडेट लेकर के आए, बिल्कुल नया वैकेंसी है। आप सभी कैंडिडेट जो भी इच्छुक हैं आवेदन करना चाह रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इस वैकेंसी के बारे में। आप अगर यदि फ्रेशर हैं फिर भी यहां पर आवेदन कर पाएंगे, और एक्सपीरियंस वाले हैं तो फिर भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो सभी तरह से जानकारी दोस्तों आपको जो है वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, वैकेंसी के नोटिफिकेशन, पहला नोटिफिकेशन ध्यान रखिएगा, तीनों जो वैकेंसी है जामताड़ा जिला के अंतर्गत निकल कर आई है तीनों नोटिफिकेशन। और यह जो तीनों नोटिफिकेशन है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा जामताड़ा के अंतर्गत ही निकल कर आई है, यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत तीनों नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो कि तीनों अलग अलग पद के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट है प्रखंड तकनीकी प्रबंधक यानी BTM के लिए है 3 पोस्ट है, सहायक तकनीकी प्रबंधक ATM के लिए है कुल मिलाकर 13 पोस्ट है। ठीक है, ये देखिए पहला नोटिफिकेशन में कुल मिलाकर 16 पद जारी किया गया पहला नोटिफिकेशन में। और इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए प्रखंड तकनीकी प्रबंधक यानी BTM के लिए जो भी कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किए हुए हैं एग्री से या फिर दोस्तों एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से किए हुए हैं विथ कंप्यूटर स्किल के साथ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, अनुभव यहाँ पर देखिए मांगा गया है, मिनिमम 2 साल का जो है एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए, 30,000 रुपये आपको जो है सैलरी दी जाएगी पर मंथ। यहाँ पर दोस्तों देखिए अगला पोस्ट सहायक तकनीकी प्रबंधक यानी ATM के लिए जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट पास किए हुए या फिर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास है एग्री से एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों आप फ्रेशर हैं तो इस फॉर्म को आप इस पोस्ट लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें जो आपको 25,000 रुपये आपको देखिए पर मंथ आप इसमें आपको जो है पेमेंट दी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, दूसरा जो नोटिफिकेशन है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा जामताड़ा यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत ही देखिए नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर देखिए जो पोस्ट है लेखापाल सह लिपिक के लिए 1 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए देखिए 1 पोस्ट है। तो देखिए इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों, तो लेखापाल सह लिपिक के लिए ग्रेजुएट दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है तो चलेगा, लेकिन BCom वाले हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो है प्रेफर दिया जाएगा। और मिनिमम देखिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगी गई है, 22,500 रुपये देखिए आपको जो है इसमें पेमेंट दिया जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेटर के लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे BTech किए हुए हैं MCA किए हुए हैं फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम से या फिर दोस्तों ग्रेजुएट आपके पास है DCA की कोर्स आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है फॉर BTech कैंडिडेट के लिए एंड 1.5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है फॉर MCA कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो आपके पास है दोस्तों तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए 16,000 रुपये इस पर आपको जो है पेमेंट दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए तीसरा जो इसमें नोटिफिकेशन है, इसमें यहाँ जो पोस्ट जारी किया गया है अंशु लिपिक जो कि राज्य श्रम पोषित के अंतर्गत है और अनुसेवक चौकीदार जो कि राज्य श्रम पोषित के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगी गई है, किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर देखिए इसके बराबर डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों, हिंदी अंशु लेखा उन कंप्यूटर में दक्ष आपको जो है होना जरूरी है। ठीक है, इसमें देखिए 16,000 आपको जो है पेमेंट दिया जाएगा। बिल्कुल आप फ्रेशर हैं तो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए चौकीदार पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल 3 साल का दोस्तों इसमें जो है अनुभव मांगी गई है अंशुलिपि के लिए। और चौकीदार दोस्तों चौकीदार के लिए भी देखिए पोस्ट है जो कि मैट्रिक पास होना चाहिए और 5 साल का देखिए एक्सपीरियंस आपसे मांगी गई है। इसमें देखिए आपको जो पेमेंट दी जाएगी 11,000 का पेमेंट आपको जो है दिया जाएगा। दोनों में दोस्तों देखिए 1-1 पोस्ट के लिए देखिए वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं आवेदन करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा उम्र सीमा जो है 1/9/2024 के अनुसार बताया जा रहा है कि तिथि 45 वर्ष से कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को जो है इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यानी कितना आपका उम्र इसमें मतलब मैक्सिमम उम्र जो है इसमें देखिए लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन 45 वर्ष से जो है कम उम्र वाले हैं उसको यहाँ पर देखिए प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों आप जो है 1 से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन जो है स्वीकार किए जाएंगे तथा आवेदन पत्र का जो है लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अवश्य रूप से जो है आप लोग को लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसमें आपको जो पेमेंट लगेगी, पेमेंट देखिए 500 रुपये का पेमेंट है सभी कैटेगरी के लिए। और पेमेंट आपका जो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देखिए कटानी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ATM जामताड़ा के नाम से देखिए पेमेंट होगी। तो दोस्तों सभी के लिए देखिए आपको अलग अलग भी पेमेंट भी देनी पड़ेगी। तो जो इलिजिबल कैंडिडेट हैं वो देखिए आवेदन करिएगा, क्योंकि दोस्तों 500 रुपये इसमें आपको जो है पेमेंट लग रही है।
देखिए फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 9 अक्टूबर तक है, 9 अक्टूबर तक आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। देखिए भरा हुआ आवेदन पत्र जो है परियोजना निदेशक आत्मा जामताड़ा संयुक्त जिला कृषि भवन सरखेल डी जामताड़ा पिन नंबर देखिए ये है, इस एड्रेस पर आपको जो है फॉर्म भर के जो है भेज देनी है। दोस्तों फॉर्म आपको कहाँ मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा दोस्तों, टेलीग्राम पर भी जो है सेंड कर दी गई है फॉर्म, ठीक है, तो वहाँ से भी आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को। दोस्तों अपडेट रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि समय पर आपको वैकेंसियों की लेटेस्ट वैकेंसियों की अपडेट मिलते रहे।